हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल के एम स्मार्ट आयल सो टुडे हियर आई वांट टू डिस्कस अबाउट लेटेस्ट क्यू कार्ड ऑफ मकड़ लिस्ट एंड नेम ऑफ द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब एन एरिया ऑफ साइंस दैट इंटरेस्ट यू कि कोई भी साइंस एरिया बताना है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो सो वट्स द क्यूज फॉर दैट वर्ड इट इज़ वो क्या है हाउ यू लर्न अबाउट इट कैसे आपने उसके बारे में सीखा वाई आर यू इंटरेस्टेड इन इट और क्यों आप उसमें इंटरेस्टेड हो ओके स्टूडेंट सो नाउ लेट स्टार्ट विद इन सैम्पल आंसर वेल साइंस इज़ बिकम इंटीगल पार्ट ऑफ आवर लाइफ बिकॉज वी कैन लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम साइंस लाइक अबाउट नेचर ह्यूमन बॉडी टेक्नोलॉजी एंड मैनी मोर कि जो साइंस है वो एक इंटीगल पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें साइंस से सीखते हैं जैसे कि नेचर के बारे में ह्यूमन बॉडी के बारे में टेक्नोलॉजी के बारे में और भी बहुत सारी थिंग्स हैं Here I want to talk about area of science in which I have interest. interest. It is physics. When I was in sixth standard then science was added in my subjects and my teacher my science teacher used to teach us in such a manner that I had always tried to learn about it. कि जब मैं सिक्स स्टैंडर्ड में थी तब जो साइंस सब्जेक्ट है वो मेरे सब्जेक्ट्स के अंदर ऐड हुआ और जो मेरे साइंस टीचर थे वो मतलब साइंस को इस तरीके से पढ़ाते थे कि मेरी जो क्यूरियोसिटी थी और ज़्यादा बढ़ जाती थी उसके बारे में सीखने के लिए एक्चुअली माई टीचर अस फिज़िक्स अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अस कि जो मेरे टीचर ने मुझे बताया कि जो फिज़िक्स है वो हमारी हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने के लिए पूरे वर्ल्ड के बारे में एंड सेटिस्फाई यर क्यूरियोसिटी और हमारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करती है मोर ओवर स्टडिंग फिजिक्स डेवलप्स और क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो फिजिक्स के अंदर मतलब स्टडी करना वो डेवलप करता है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को और जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसको आफ्टर टेंथ आई लर्न मोर अबाउट साइंस थ्रो दी एक्सपेरिमेंट इन फिजिक्स लैब कि टेंथ के बाद मतलब मैंने और ज़्यादा साइंस के बारे में सीखा एक्सपेरिमेंट के थ्रू फिजिक्स लैब में इवन आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटिड माई ग्रेजुएशन इन साइंस और जो मेरी ग्रेजुएशन है वो भी मैंने साइंस के अंदर ही की है अपार्ट फ्रॉम दिस फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट विच क्रिएट्स द इमेजिनेशन इन आवर माइंड कि जो फिजिक्स है वो एक सब्जेक्ट है जो इमेजिनेशन क्रिएट करता है हमारे माइंड में अबाउट द नेचुरल फिनोमिना नेचुरल फिनोमिना के लिए टेकिंग प्लेस अराउंड जो हमारे आस पास का है एंड वी नो दैट इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज और हमें पता है कि जो इमेजिनेशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉलेज की बजाय इट इज़ ओनली क्रिएट इट इज़ नॉट ओनली क्रिएट इमेजिनेशन बट ऑल्सो अलाउ जस्ट टू लिंक वन थिंग टू अनदर थिंग कनेक्शन बिटवीन द फिजिकल फिनोमिना टू आवर डेली लाइफ कि ये हमारे अंदर इमेजिनेशन ही नहीं क्रिएट करती बल्कि हमें अलाउ करती है चीज़ों को जोड़ने के लिए एक से दूसरी चीज़ को जोड़ना आई स्टिल हैव द curiosity टू imbibe मोर नॉलेज अबाउट फिजिक्स एंड दैट्स why आई रीड डिफरेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू फिज़िक्स ड्यूरिंग my लेज़र टाइम और अब भी मेरे अंदर मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है फिज़िक्स के बारे में नॉलेज गेट करना और इसके लिए मैं बहुत सारे आर्टिकल्स रीड करती हूँ रिलेटेड टू फिज़िक्स अपने लेज़र टाइम में सो फिजिक्स इज द एरिया ऑफ साइंस विच हैज़ ग्रैब्ड माई इंटरेस्ट सिंस माई चाइल्ड हुड और फिजिक्स ही एक एरिया है साइंस का जो मतलब ग्रैब्ड किया था मैंने मतलब मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर ग्रैप हुआ था सिंस माई चाइल्ड हुड मेरे चाइल्डहुड से ओके स्टूडेंट सो दिस इज अ क्यू कार्ड एंड स्टूडेंट इफ यू हैव एनी डाउट इन क्यू कार्ड देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड स्टूडेंट इफ यू वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर अपडेट अबाउट माई नेक्स्ट वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल मोर एंड मोर And now, uh, thanks for watching.